हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स हॉट 10S वर्सेस 10 प्राइम के बीच में फ्री फायर का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे टच रिस्पॉन्स, स्मूथनेस, ब्राइटनेस, FPS सभी चीज़ों का डिटेल में कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कौन कितना बेटर देखने को मिलता है। 464 दोनों ही फोन हमारे पास हैं और यहाँ पे G85 मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 10S में और 10 प्राइम में हमें मिलता है G88 जो कि नया प्रोसेसर है। तो देखते हैं कितना ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों के बीच में प्रोसेसर के बारे में, परफॉर्मेंस के मामले में। तो दोस्तों, ये वीडियो को देखते रहिए एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहे हमारे दोनों फोन्स और गई सबसे पहले यहां पे मैं आपको ब्राइटनेस को कंपेयर करके दिखा देता हूं। तो गई यहां से चलते हैं हम सेटिंग में और ये हम आ चुके सेटिंग में। गाइस, यहाँ से ब्राइटनेस को करते हैं फुल। तो यहाँ पे HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 10S में और गाइस ये डिस्प्ले मुझे 10 प्राइम से ब्राइट लगा। यहाँ पे 10 प्राइम जो है वो थोड़ा वार्म टाइप का फील होता है, इसके वजह से ये पीछे रह जाता है। और 10 प्राइम देखेंगे, इन्फिनिक्स हॉट 10S देखेंगे गाइस कि ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट फील होता है। बट स्मूथनेस के मामले में यहाँ पे 10 प्राइम बेटर हो जाता है। 90Hz दोनों में ये वैसे, बट यहाँ पे इसका जो UI है, सॉफ्टवेयर है, वो इन्फिनिक्स से थोड़ा बेहतर है, थोड़ा स्मूथ है गाइस। तो इसके वजह से इसका डिस्प्ले थोड़ा मुझे बेटर लगा। ब्राइटनेस के मामले में हॉट 10S है और ऐसे स्मूथनेस के मामले में 10 प्राइम। यहाँ से रिसेंट से सभी एप्स को रिमूव करते हैं और गाइस एक साथ हम फ्री फायर को ओपन करेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ से ओपन करते हैं हम एक साथ फ्री फायर को। और वैसे गाइस, हमने SP टेस्ट भी कर दिया है, तो ये वीडियो भी आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आएगा आपको G85 वर्सेस G88 देखने में। और यहाँ पे गाइस देखेंगे, अभी सबसे पहले लोगो आया हमें 10 प्राइम के फ़ोन में। और दोस्त, देखते हैं आगे विनर कौन बनता है। वैसे दोस्त, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, यहाँ पर ये मैं क्या कर दिया पता नहीं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे 10 प्राइम ही विनर होगा या काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे। आप स्पीड टेस्ट देख लीजिएगा दोस्त, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कहीं बात करें 10 प्राइम की, तो यहाँ पे फुल डिस्प्ले में प्ले होता है जिसकी वजह से काफ़ी मस्त और ब्यूटीफुल लगता है। और वहीं पे 10 प्राइम में आप देखेंगे कि फुल डिस्प्ले में प्ले नहीं होता है, फिर भी कहीं इसके डिस्प्ले के साइज इतना प्ले हो जाता है बिकॉज इसका डिस्प्ले बड़ा है हॉट 10S का, इसके वजह से। यहाँ पे गाइस 10 प्राइम में आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा OP हो जाती है और बहुत ही मस्त है गाइस। सच में साउंड क्वालिटी इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी थी 10 प्राइम की, तो यहाँ पे साउंड से काफ़ी मतलब आप इम्प्रेस होंगे। यहाँ पे गाइस सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है इन्फिनिक्स में और ये काम चलने लायक है गाइस, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बट 10 प्राइम का स्पीकर काफ़ी कमाल का है। 6000 mAh की बैटरी दोनों में ही देखने को मिल जाती है और हमने फ्री फायर टेस्ट भी किया है इन्फिनिक्स वर्सेस पोवा वर्सेस 10 प्राइम, तो वो वीडियो भी आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा इस। वहाँ पे आपको पता चलेगा बैटरी ड्रेन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में मैंने बताया। और गई यहाँ पे देखेंगे ग्राफिक हमने फुल कर दिए और गई उस वीडियो में जो हमने फुल कंट्रोल कर दिया था इन्फिनिक्स के फोन में गलती से, उसकी वजह से गई उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं उसे थर्ड पोजिशन पर ला दिया था। बट अभी मैं कह सकता हूँ कि वो भी बेटर है गई। और दोस्त, यहाँ पर बात करें अब टच रिस्पॉन्स की, सबसे पहले 10 प्राइम की, तो गाइस यहाँ पे 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है और एक साथ गाइस आपके कितने भी फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टेस्ट किया है 10 फिंगर इस पर टच करके एक साथ में, तो मतलब आसानी से वर्क कर लेता है। तो यहाँ पे गाइस आपको कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगी, टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फास्ट वर्क कर लेता है इस प्राइस के हिसाब से। वहीं पर बात करें गाइस इन्फिनिक्स की, तो गाइस यहाँ पे भी 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है और ये भी गाइस पहले ये थोड़ा स्लो था, बट यहाँ पे गाइस इसका भी मतलब अपडेट आया एक, उसके बाद से गाइस मुझे ये थोड़ा इसका टच रिस्पॉन्स इंक्रीज्ड लगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे रहा। बाकी 90 हर्ट्ज़ का कोई यूज़ नहीं होता फ्री फायर में बिकॉज ये 90 हर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपको 90 हर्ट्ज़ का यूज़ करना है तो आप BCMI को प्ले कर सकते हैं और ग्राफिक जो टूल आता है GFX टूल, उसको यूज़ करके आप प्ले कर सकते हैं। स्मूथनेस की बात करेंगे इस 10 प्राइम की, तो गाइस यहाँ पे स्मूथनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी, स्मूथनेस में कोई भी इशू मुझे नहीं लगा। और साथ ही सेंसिटिविटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको कोई भी इशू देखने को नहीं लगा, काफ़ी फास्ट वर्क करता है। G88 और G85 प्रोसेसर काफ़ी हद तक सिमिलर है गाइस, हद तक नहीं कहूँगा गाइस, एग्जैक्टली सिमिलर ही है, बस नाम चेंज करके कंपनी वाले लॉन्च करते हैं प्रोसेसर ताकि पीपुल जो हैं, लोग जो हैं वो गाइस थोड़ा बेवकूफ़ बने।
ऐसा गाइस। तो वही G85 भी रहता है तो भी आपको सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और G88 में भी सेम ही देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी हद तक ये सिमिलर ही परफॉर्मेंस देंगे। और ये देखेंगे सेंसिटिविटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, स्मूथनेस भी गाइस डिस्प्ले के ग्लास पे अटैच करता है, मतलब ग्लास अटैच करेंगे तो और ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस इन्फिनिक्स की स्मूथनेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने ग्लास अटैच नहीं करा है, बट यहाँ पे जो प्लास्टिक है ना वो थोड़ा कम क्वालिटी वाला है, मतलब जो कंपनी वाले दिए थे इसकी वजह से गाइस ये शायद से मुझे स्मूथनेस बहुत कम फील होता है। अगर 10 प्राइम में प्ले करूँ गेम और इसमें प्ले करूँ तो काफ़ी ज़्यादा पीछे लगता है। और सेंसिटिविटी की जहाँ तक बात है तो वो डिपेंड करता है स्मूथनेस पे ही, अगर आपका डिस्प्ले स्मूथ रन कर रहा है तो सेंसिटिविटी भी फास्ट वर्क करेगा, यानी कि फिंगर फास्ट स्लाइड होगा तभी ना सेंसिटिविटी भी अच्छे से वर्क करेगा। अब फिंगर ही स्लाइड ना हो तो भाई सेंसिटिविटी ज़्यादा ही रह के क्या करेगा। तो ये एक मुझे दिक्कत देखने को मिली, मैं भी ग्लास अटैच कराने के बाद से ये फिक्स हो जाए। बट ओवरऑल जो मैंने फुल कंट्रोल वाला इशू था जो कि एम ही नहीं जा रहा था बंदे पे, तो वो गाइस आप लोगों के कमेंट करने की वजह से वो मैंने चेक किया और उसको फिक्स कर दिया, फिर गाइस ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ 10,000 में गाइस गेमिंग के लिए, स्पेशली फ्री फायर के लिए। तो गेमिंग के लिए मैं अभी कह सकता हूँ कि ये काफ़ी सही है, और इसका फ्री फायर मैक्स भी जल्दी टेस्ट आने वाला है तो वो वीडियो भी शायद से आ भी चुका होगा, अगर आप लेट से देख रहे होंगे तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पुआ 2 का हमने कर दिया है, और भी नोट 9 का आएगा, और क्या बोलते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10S का, मतलब ये आएगा, नोट 10 का आ चुका है, हॉट 11S का आएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ कि दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो गाइस ओवरऑल हर चीज़ में मतलब मुझे बेहतर लगा। 10 प्राइम डिस्प्ले भी अच्छा है गाइस, और स्मूथ भी है, और स्पीकर भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छी है गाइस। तो और इसका यूआई थोड़ा इम्प्रूवड है इन्फिनिक्स से, तो इसके वजह से मैं ओवरऑल कहूँ तो 10 प्राइम बेटर है। बट गाइस वैल्यू फॉर मनी आपको चाहिए फ़ोन, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 10S आपको चूज़ करना चाहिए। वैसे इन्फिनिक्स हॉट 10S को मैं 8.5 के यानी कि 8,500 में सेल कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करके ले सकते हैं। इस बिल्कुल ही नई कंडीशन में, यहाँ पे कोई भी स्क्रेचेस नहीं है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पे 10,000 की अगर आपकी बजट है तो यहाँ पे मैं इन्फिनिक्स हॉट 10S मतलब आपको प्रोवाइड करने मतलब लेने को कहूँगा गाइस, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।